दोस्तों नमस्कार। आज हो गई है 18 मार्च। आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, मुख्य समाचार जानेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो में हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जीतते हुए देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का विवादित बयान, लड़कियों के जींस पहनने पर उठाया सवाल। स्वाति मालीवाल बोली, यूएपीए लगा देंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। हाल ही में भाजपा शासित उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटाकर अब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसा करने के पीछे की वजह यह बताई जाती है कि भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम करने के तरीके से नाखुश थे। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत एक कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लड़कियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि लड़कियों द्वारा जींस पहनना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियां अपने घुटने दिखा रही हैं, क्या यह सही है? वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा है कि उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जींस पहनने से दिक्कत है, मुख्यमंत्री तो बन गए पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। वो दिन दूर नहीं जब जींस पहनने पर ये लोग यूएपीए लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट, ट्रेन, स्टेशन, सड़क, स्टेडियम, गैस पाइपलाइन, वाटरवे, सब कुछ बेचने को तैयार है सरकार। लिस्ट हो रही है तैयार। दोस्तों बताते चले, कल्पना कीजिए, जिस सड़क पर हम चलते हैं वह निजी कंपनी की होगी, जिस ट्रेन में सफर करते हैं वह निजी कंपनी की होगी, जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं या जिस एयरपोर्ट से विमान में चढ़ते हैं वह सब प्राइवेट कंपनियों का होगा। इतना ही नहीं, खेल कूद में दिलचस्पी है तो स्टेडियम भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ही होगा। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का वह प्लान है जिसमें देश की संपत्तियां बेचकर पैसा उगाहने का काम किया जा रहा है। ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने पिछले महीने पेश किए गए बजट में पहली बार देश की संपत्तियां बेचकर पैसा उगाहने की मुद्रीकरण योजना को खुलकर पेश किया था। अब सरकार इस योजना को अमल में लाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए 8 मंत्रालयों ने अपनी उन संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें आने वाले वक्त में बेचा जाएगा। वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और खबर जानते हैं। बंगाल भाजपा में खुलकर सामने आने लगी है अंदरूनी कलह, आला कमान को बुलानी पड़ी बैठक, बाहरी चेहरों को मिल रही है तवज्जो। दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराने का दावा करने वाली बीजेपी के अंदर अब अंदरूनी कलह भी सामने निकल के आने लगी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की दूसरी सूची के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन अब खुलकर सामने आ रहा है। मिली जानकारी के हिसाब से भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीते मंगलवार को कोलकाता में पार्टी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान द्वारा उम्मीदवारों के चयन को लेकर नाराज हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं और पुराने नेताओं के बीच में टकराव देखने को मिला। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हैं दोस्तों बेहद बड़ी खबर है। एक और खबर जानते हैं। कुतिया की मौत पर भी नेताओं का शोक संदेश आता है, 250 किसानों की मौत पर कोई भी ना बोला। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार पर हमला, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को लंबे समय तक चलते रहना ना किसानों के हित में है और ना ही सरकार के हित में है, बेहतर होगा इसका मिलकर बैठकर तत्काल निराकरण किया जाए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसका हल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए लेकिन अब तक कोई बोला भी नहीं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही मुद्दा है, यदि इसको कानूनी रूप दे दिया जाता है तो यह मामला आसानी से हल हो जाता है। देश भर के किसानों के बीच यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ऐसे में इसे जल्द हल करना चाहिए। दोस्तों खबर पश्चिम बंगाल से, भाजपा ने मेरी टांग तोड़ी, सीएम ममता बनर्जी का आरोप, उन्हें वोट मत देना, धर्म का पालन नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान लगातार जारी है। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने उनकी टांग तोड़ दी, साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि भाजपा को वे लोग बिल्कुल भी वोट ना करें।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो आप अपने धर्म को नहीं मान पाएंगे, आप जय सियाराम नहीं बोल पाएंगे, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। टीएमसी नेता ने कहा कि भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि वह कदमें उनसे बहुत बड़ी हैं। बताते चले कि हाल ही में एक सभा में ममता बनर्जी ने चंडी पाठ करके भी सुनाया था, साथ ही उन्होंने बीजेपी को आगाह किया था कि वो हिंदू कार्ड नहीं खेलें क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि वह भी एक हिंदू की बेटी हैं। बड़े संस्थानों में खाली पदों पर बोले राहुल गांधी, एससी एसटी और ओबीसी को दंडित कर रही है सरकार। पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी की वजह से सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा था, इसके बाद तेजी से बेरोजगारी बढ़ी। अनलॉक के बाद धीरे धीरे सभी गतिविधियां सामान्य हो गई, लेकिन रोजगार के मामलों में हालात अभी भी वैसे हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी और पिछड़े वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा उठाया है। दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट को शेयर किया है जिसमें आईआईटी एनआईटी जैसे संस्थानों में खाली पड़े पदों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी के लिए खाली पदों की संख्या भी अलग अलग बताई गई है। रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा है कि शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार असली डिग्री रखने के लिए एससी एसटी और ओबीसी को दंडित कर रही है। इसी के साथ चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। खट्टर सरकार ने पिछले कार्यकाल में हरियाणा को लगाया हजारों करोड़ का चूना, कैग के खुलासे के बाद विपक्ष ने बोला है खट्टर सरकार पर हमला। हरियाणा सरकार के घपलों घोटालों पर चर्चा से बचने के प्रयास के तहत बजट सत्र में समय से कैग रिपोर्ट न रखने के गंभीर सवालों के बीच रखी गई रिपोर्ट पर विधानसभा में काफी हंगामा हो गया। और वहीं राज्य के खजाने को कई हजार करोड़ का चूना लगाने की तस्दीक करती इस रिपोर्ट ने हरियाणा की पिछली मनोहर लाल सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। बिक्री कर से लेकर मनोरंजन शुल्क तक में हुई गंभीर वित्तीय गड़बड़ी पर कैग ने मोहर लगाई है। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, खट्टर सरकार ने पिछले कार्यकाल में हरियाणा को लगाया हजारों करोड़ों का चूना, जिस पर विपक्ष ने जमकर घेरा है खट्टर सरकार को विधानसभा में। 26 मार्च को किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान, होलिका दहन में जलाएंगे तीनों नए कृषि कानूनों की कॉपियां। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीने से आंदोलनरत किसानों ने 26 मार्च को बड़ा ऐलान करते हुए भारत बंद का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही किसान संगठनों ने आगामी 28 मार्च को तीनों कृषि कानूनों का होलिका दहन करने की घोषणा भी की है। भारत बंद के दौरान देश की सभी दुकानें और अन्य व्यापारिक संस्थान 12 घंटे तक बंद कराए जाएंगे। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान तीनों नए कृषि कानूनों की कॉपियां भी जलाएंगे किसान। ये बड़ी खबर निकल गई है दोस्तों, किसान संगठनों ने यह ऐलान कर दिया है मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आने